हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबीपीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक और फ्री वीडियो हम आपके पास लेकर आए हैं। डेली हम फ्री वीडियोस आपको फुल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये सारी वीडियोस इनफ नहीं होंगी इंटरव्यू में आप 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ और अपना एक फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, इसलिए और हम इसको फ्री में दे रहे हैं ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके, डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इंटरव्यू क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया गया है, लास्ट एफर्ट है आपको नौकरी मिलने से पहले का। सिर्फ 599 की क्लास है, जिसमें आपको 80 से 100 वीडियोज़ मिलते हैं, 80+ वीडियोस मान लीजिए मिलते हैं। ये देखिए, सारे वीडियोस अपडेट हो गए हैं जो आपको देखने हैं। ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और इन वीडियोस के साथ साथ में जो पीडीएफ्स हैं वो भी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़नी होंगी। एंड बाकी प्रिपरेशन तो आप लास्ट के 2-3 दिन में भी कर सकते हैं सारी वीडियोज़ देखकर, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप अभी से परचेज करके डेली पढ़ते चलें। इंटरव्यू में भी आपके बहुत टाइम है, लगभग 17-18 दिन हैं, तो बहुत ईजिली आप प्रिपेयर कर लेंगे। लास्ट ईयर इंटरव्यू के रिव्यू देखने हैं, पॉज करके देख सकते हैं इंटरव्यू में क्लास में क्या क्या मिलेगा, ऑलरेडी बता दिया है, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे डिजिटल फ्रॉड्स के बारे में। जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, चीज़ें घर बैठे हो जा रही हैं, अकाउंट घर बैठे खुल जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, IMPS, UPI, QR कोड स्कैन कर लिया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, डेबिट कार्ड से पेमेंट, इन सब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ कुछ रिस्क भी उभर कर आ रहे हैं। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि डिजिटल फ्रॉड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो किस टाइप के डिजिटल फ्रॉड होते हैं ये आप बता पाएं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। बाकी फिशिंग अटैक, सॉरी, डिजिटल फ्रॉड्स के साथ साथ जो है हम ये चीज़ भी देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का ये एक निगेटिव साइड है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, आप बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी आने से बैंक पे प्रेशर कम हुआ है, कस्टमर्स को घर बैठे सर्विस मिल जा रही है, तो इनके साथ साथ निगेटिव जो है वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। पहले टाइप का डिजिटल फ्रॉड है आपका फिशिंग हैक्स। इसमें क्या होता है कि जो फ्रॉडस्टर होता है वो एक वेबसाइट बताता है जो कि आपको एकदम रियल लगेगी कि बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट है। सपोज आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोली, आपको लगेगा कि एक लिंक आपके पास आएगा और आप उसको क्लिक करेंगे, आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट है, हाँ स्टेट बैंक की वेबसाइट है। और इनको सर्च इंजन पे भी, मतलब गूगल पे आप सर्च करोगे तो भी ये वेबसाइट दिख जाएंगी। और फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि इन वेबसाइट्स का जो डिटेल है वो SMS से, सोशल मीडिया से, ईमेल से, मैसेंजर से शेयर करते हैं। वहाँ पर जाकर आप जैसे ही अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, अब चूँकि वो ओरिजिनल वेबसाइट तो है नहीं, बस ओरिजिनल जैसी दिख रही है, तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड उनके पास पहुँच जाएगा। फिर वो ओरिजिनल वेबसाइट पर जा करके आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लेंगे और वहाँ से वो आपके पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हाँ, OTP ऑथेंटिकेशन ज़रूर है, उसका भी तोड़ है, OTP एक्सेस भी कैसे मिलता है, ये सब चीज़ें भी हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये होता है फिशिंग हैक्स। अगला है आपका विशिंग हैक्स। दोस्तों, ऐसे ही टॉपिक्स हम इंटरव्यू में पढ़ाते हैं, इंटरव्यू क्लासेस में पढ़ाते हैं जो प्रैक्टिकल हैं और जो इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को एक बार चेक करिएगा और इंटरव्यू क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। देखिए, विशिंग क्या है? विशिंग में ये है कि जो फ्रॉडस्टर होता है वो एक्ट करता है कि वो एक बैंकर है, वो एक किसी एक बैंक का एग्जीक्यूटिव है, इंश्योरेंस एजेंट है, एक हाई लेवल का गवर्नमेंट ऑफिशियल है और आपको कॉल के थ्रू अप्रोच करता है। आपके पास एक कॉल आएगी, आप फ़ोन उठाएंगे, तो फिर वो आपको कुछ फैक्ट बताएगा कि सर आपका नाम राहुल कुमार है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो इसके पास है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो निकाल लेते हैं और उसके बाद ऐसे लोगों के पास कॉल करते हैं और फिर वो आपसे बोलेंगे सर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है, सर हमारी बैंक एज पर RBI गाइडलाइंस डेबिट कार्ड को अपग्रेड कर रही है, उस अपग्रेडेशन के लिए आपको कुछ डिटेल शेयर करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा और आप अपने अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, या फिर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आप कोई भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। फिर आपसे वो आपका कार्ड नंबर पूछेगा, आपका कार्ड नंबर एंटर करेगा, किसी वेबसाइट पर शॉपिंग कर लेगा या पैसा ट्रांसफ़र करेगा, कोई बड़ी पेमेंट कर लेगा। पासवर्ड देने के बाद वो कार्ड डिटेल के बाद आपसे CVV पूछेगा वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद बोलेगा सर आपका कार्ड अपग्रेड हो रहा है, सिस्टम पर डिटेल चेक हो रही है, आप प्लीज़ आपके फ़ोन पर एक OTP आया होगा वो हमें बता दीजिए। समझ गए समझ गए, वरना बहुत फाइनेंशियल इलिटरेसी है हमारी कंट्री में, बहुत से लोग OTP बता देते हैं और उसी के साथ आपका पैसा जो है चला जाता है और आपके साथ फ्रॉड बड़ा हो जाता है। अगला है फ्रॉड्स यूजिंग ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म। देखिए, ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म जो है फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं कि एक सस्ता प्रोडक्ट डालते हैं
कि ये सामान बिकाऊ है और हम डिफेंस में हैं, हम आर्मी में हैं, हम एयरफोर्स में हैं, हमारा ट्रांसफ़र बहुत दूर हो गया है। प्रेजेंटली हमारी पोस्टिंग भोपाल थी, लेकिन अब हमारा ट्रांसफ़र नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में हो गया है, वहाँ तक हम सामान नहीं ले जा सकते हैं। हमें आज ही या दो दिन में ये पूरा सामान बेचना है, और ये सोफ़ा है ये 2000 में मिल जाएगा, ये आर ओ है ये 1000 में मिल जाएगा, ये टीवी है 45 इंच की ये आपको 2000 में मिल जाएगी। इस तरह करके देते हैं कि हमें जल्द से जल्द भेज के निकलना है। एक फर्जी आईडी कार्ड डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद जब आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको एक क्यूआर कोड शेयर करेंगे कि आप इस पर कुछ एडवांस पेमेंट कर दीजिए ताकि हम आपका सामान रिजर्व कर लें, और उसके बाद हम आपके घर सामान जब पहुँचाने आएंगे तो आप हमें बाकी पैसे दे दीजिएगा। वो 40,000 का 30,000 का सामान बताएंगे, आपसे 4-5,000 रुपये एडवांस ले लेंगे और वो पैसे आपके चले गए। वो आपसे एक क्यूआर कोड शेयर करेंगे कन्फर्मेशन के लिए, और वहाँ आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। अगला है फ्रॉड ड्यू टू द यूज़ ऑफ अननोन अनवेरीफाइड मोबाइल ऐप्स। गूगल भी कहता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहता है कि अनवेरीफाइड मोबाइल ऐप्स ना इंस्टॉल करें। कोई भी कभी भी आपको मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करना है वो एप्पल प्ले स्टोर या एंड्रॉयड प्ले स्टोर जो है वहीं से इंस्टॉल करें। एप्पल मार्केट प्लेस जो होता है एंड एंड्रॉयड जो प्ले स्टोर है आपका, ठीक है। अब बेसिकली RBI भी SMS, ईमेल, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेंजर के थ्रू इन सब चीज़ों का प्रमोशन करती है। इसमें वो क्या करते हैं, एक ऐप बनाते हैं और फ्रॉडस्टर जो है वो आपको ऐप भेजते हैं कि भाई इसको डाउनलोड कर लीजिए, इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद आपको ये कैशबैक मिलेगा, वो मिलेगा, आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आप उन ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में या अपने फ़ोन में, अगर विंडोज़ ऐप है तो लैपटॉप में, एंड्रॉयड ऐप iOS ऐप है तो अपने फ़ोन में, जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है वो आपका ऐप उसके थ्रू कुछ ट्रैकर्स मोबाइल या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाते हैं, और आप जैसे जैसे कोई वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं, OTP आपके फ़ोन पे आता है, वो सारी की डिटेल जो भी हैकर होता है उसके पास पहुँचने लगती है और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। अगले टाइप का डिजिटल फ्रॉड है ATM कार्ड स्किमिंग। देखिए स्किमिंग डिवाइसेस होती हैं, वो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, मौका देख के आपका जो ATM मशीन होती है वहाँ पर एक पतली सी डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं। ये डिवाइस क्या करती है, जैसे ही आप ATM में अपना कार्ड लगाएंगे कि पैसे निकालने हैं, आपके कार्ड की इंफॉर्मेशन उस डिवाइस में स्टोर हो जाएगी। फिर फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, नकली ATM कार्ड प्रिंट कर लेंगे और उस अब ATM कार्ड में सारी इंफॉर्मेशन आपकी है क्योंकि ऑलरेडी रीड कर ली है, और उसके बाद जो है अब आप ATM से आपके वो पैसे विड्रॉ कर लेंगे। कहीं हिडन कैम लगा होता है वही वह छोटा सा, जिसके थ्रू वो देख लेते हैं कि आपने पिन क्या एंटर किया है। अब उनके पास नया ATM भी हो गया और पिन भी हो गया और आपके जितने भी पैसे हैं वो खाली हो जाएंगे, और ये एक तरह का फ्रॉड है जिसको बोलते हैं ATM कार्ड स्कीमिंग। अगली तरह का डिजिटल फ्रॉड है फ्रॉड्स यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप रिमोट एक्सेस। आपको कोई दिक्कत है, आपसे कुछ कोई अननोन पर्सन बोल रहा है कि आप जो है अपनी ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, इसके थ्रू आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल हम अपने घर से चला पाएंगे, और आपकी जो भी दिक्कत है उसका जिसका वो फ़ायदा उठा रहा है बोलेगा ये दिक्कत हम आपके लैपटॉप पर और फ़ोन पर सॉल्व कर देंगे। स्क्रीन शेयरिंग ऐप आप जब इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद जो फ्रॉडस्टर होता है वो उसके थ्रू आपका OTP रीड कर सकता है, आपके इंटरनेट बैंकिंग के, मोबाइल बैंकिंग के पासवर्ड जो सेव हैं डिवाइसेस में उनको देख सकता है और उसके बाद आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। अगले तरह का फ्रॉड है सिम स्वैप और सिम क्लोनिंग। देखिए सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग में क्या होता है, जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि 4G सिम आपका है और कंपनी फ्री में 5G सिम अपग्रेड कर रही है, सिम जल्द से जल्द अपग्रेड करवा लीजिए वरना आने वाले 7 दिनों में आपका सिम बंद हो जाएगा, आप कोई कॉल नहीं कर पाएंगे। जो लोग नहीं समझते हैं पैनिक करते हैं, फटाफट डिटेल शेयर कर देते हैं, आपके पास एक कॉल आता है और वो आपसे सिम स्वैप करने के लिए बोलेंगे कि हम आपके घर आ जाएंगे और कंपनी जो है डोर टू डोर भेज रही है और एक नया सिम लेकर आएंगे, वो आपको दे देंगे या आपका सिम लेंगे फिर उसका क्लोन बना लेंगे ताकि वो भी चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ, और जिस फ़ोन पे OTP आता है क्योंकि वो आपके नंबर पे OTP आएगा इंटरनेट बैंकिंग वाला तो वो भी वो लेकर चले जाएंगे ताकि वो OTP भी उनके काम आ सके। तो इस तरह से जो है ये सिम स्वैप या सिम क्लोनिंग का फ्रॉड जो है होता है। अगली तरह का डिजिटल फ्रॉड है फ्रॉड बाई कंप्राइजिंग क्रेडेंशियल ऑन रिजल्ट थ्रू सर्च इंजन। देखिए कस्टमर जो है बहुत सारा सर्च इंजन यूज़ करते हैं कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, बैंक का ईमेल ढूंढने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी का फ़ोन नंबर ढूंढने के लिए,
तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लेते हैं, फेक एड्रेस होता है, फेक सब कुछ होता है, और जब आप कॉल जाती है आपको लगता है आप ओरिजिनल जगह कॉल कर रहे हैं, बट आप एक फेक जगह कॉल कर रहे होते हैं, किसी फ्रॉडस्टर के पास कॉल कर रहे होते हैं, और वहाँ से आप स्कैम का शिकार हो जाते हैं। अगला एक टाइप का फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड है, स्कैन थ्रू क्यूआर कोड स्कैन। इसमें आरबीआई बताता है कैसे स्कैन हो रहा है। फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, कस्टमर को कॉन्टेक्ट करते हैं और उनका क्यूआर कोड उनको शेयर करते हैं, और उसके बाद ऐप के थ्रू जब आप क्यूआर कोड ओपन करेंगे, जैसे ही स्कैन हो जाएगा, कस्टमर अननोइंगली जो है अपना पिन डाल देता है और वहां से उसका पैसा डेबिट हो जाता है। बेसिकली आपके पास एक क्यूआर कोड आता है, आप जैसे ही उसको ओपन करते हो, अगर आप थोड़ा सा चूकी आप ध्यान नहीं देंगे तो उसमें कुछ अमाउंट मेंशन होता है और उसके बाद आपका पिन मांगेगा। अगर आपने गलती से पिन एंटर कर दिया तो आपका सारा का सारा पैसा वो ट्रांसफर हो जाएगा। अगला है आपका डिजिटल फ्रॉड, इम्पर्सोनेशन ऑन सोशल मीडिया। देखिए, बहुत से लोग अब सोशल मीडिया पे हैं आजकल। फ्रॉडस्टर इस केस में क्या करते हैं, आपकी प्रोफाइल को अच्छे से एनालाइज करते हैं, सेम डुप्लीकेट प्रोफाइल जो है आपके नाम की बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद वो सबको मैसेज करते हैं कि मेरी पुरानी प्रोफाइल हैक हो गई है, तो उसको आप कॉन्टैक्ट डिलीट कर दीजिए, इस प्रोफाइल पे ऐड कर लीजिए। आपकी डीपी लगी होती है, आपका फोटो लगा होता है, सब कुछ एकदम जेन्युइन होता है। आपके बहुत से फ्रेंड इस नई प्रोफाइल पे ऐड हो जाते हैं, पुरानी प्रोफाइल को छोड़ देते हैं। फिर ये फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज करते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है, या फाइनेंस की बहुत नीड है, पैसे की नीड है, आपके जो, अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके जो नीचे वाले ऑफिसर्स हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको मैसेज करते हैं ताकि उनको शक ना हो कि हाँ, अगर बॉस ने पैसा मांगा है तो हम ज़्यादा वेरीफाई नहीं करेंगे, दे देंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम बोल रहे हैं इम्पर्सोनेशन ऑन सोशल मीडिया। ये थे डिजिटल फ्रॉड्स दोस्तों। बाकी इंटरव्यू क्लास की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए क्लासेस को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।